नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हजारीबाग के द्वारा जागरूकता स्टॉल लगाकर हेमंत सरकार की 5 वर्षों की गई विकास की उपलब्धियां गांव-गांव तक दी जा रही लोगों को जानकारी। इस उपरांत केरेदारी के कंदाबेत पंचायत के बाजार टाण में जगत स्टॉल लगाया गया। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ग्रामीणों को सभी तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जनता स्टॉल में आए एवं पंचायत मुखिया ने क्या कुछ कहा, देखें अशोक बंटीराज की खास रिपोर्ट में। भैया हम बता रहे जितना सरकार द्वारा योजना चल रहे हैं, जैसे अभी करण चले मैया योजना हो गया, बिजली बिल हो गया, और इधर हो गया आपका परदेशी वाला स्कॉलरशिप, जहां बच्चे बाहर जाकर अपना सरकार इसमें हर तरह सुविधा दी है। 100% स्कॉलरशिप है, ताकि आप बच्चा अगर विदेश जाता है, इंजीनियर करता है, डॉक्टर करता है, या जो भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, उसमें सरकार 100% स्कॉलरशिप दी है। रहने खाना पीना सब तरह का मुफ्त है। अगर उसको कुछ हो जाता है, समस्त स्वास्थ्य उसके खराब हो जाता है, उसके लिए सरकार वहां उसको उपलब्ध कराएगी। ये मुख्यमंत्री साथी योजना है, वैसे बच्चे या महिलाएं या पुरुष जो 5वीं तक पढ़ा है उस सब के लिए, 5वीं से 50 साल तक। इसमें आप कौशल सिखाया जाता है इसमें सारथी योजना में, जैसे आप मोटर मैकेनिक हो सकते हैं, लाइट फिटिंग कर सकते हैं, बिजली रिपेयरिंग हो जाता है, सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर सब कुछ कराया जाता है इसमें, ताकि लोगों को रोजगार अपना खुद से कर सकते हैं। कंप्यूटर सिलाई ये सब आपका जिला में है, कुछ आपको रांची में है, और आपको जैसे सैयद दीदी आपको लेते हैं ना बच्चों को लेने के लिए कौशल का 6 महीने 3 महीने ट्रेनिंग जो देता है, वो इसी थ्रू होता है। मुख्यमंत्री सरकार के यहाँ आपको जो हजारीबाग में है हुरूड रोड लास्ट दुर्गा मंडप के सामने, यहाँ इसका संस्था है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। और ये आपका पशुधन, इसमें आप सरकार से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपको भैंस गाय बकरी बत्तख मुर्गी चंगना, यहाँ तक कि आप जो भी आप लगता है कि मैं ये चीजें पालन पोषण करेंगे ताकि हम उसे अपना रोजगार कर सकते हैं, उसी जानकारी इसमें है। अब ये सब को फॉर्म भरने के बाद भरने के इस योजना का आज क्या है मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अभी चुनाव का समय है, और चुनाव के पहले ये 5 साल का जो हेमंत सोरेन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सरकार रहा, वो अपना उपलब्धि शिविर लगा के हर पंचायत में जाकर के अपने माता बहनों को दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब हमने 5 साल में क्या किया। तो रियल भी बात है कि इसके पूर्व में बीजेपी का सरकार था, लोग पेंशन के लिए दर दर ठुकराते घूमते रहते थे, दर दर घूमते रहते थे, जिनका 60 साल 70 साल 80 साल हो गया उसको भी पेंशन नहीं मिलता था। अभी वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन में के कार्यकाल में लोगों का पेंशन 60 साल वाले इनको घूम घूम करके घरे घर घूम घूम करके पेंशन कराया गया, और सभी को पेंशन मिल रहा है। उसके बाद 60 साल से फिर घटा करके 50 साल किया गया, 50 साल वाले को भी महिला को पेंशन मिला गया, एसटी एससी में महिला पुरुष दोनों को दिया गया। उसके बाद मैया योजना आया, वो भी हेमंत सोरेन ने लागू किए, वो 18 से 21 और 21 से 49 साल के बच्चों को भी, अरे माताएं को भी पेंशन दिया गया। अब है कि ये सरकार में हेमंत सोरेन के सरकार में राज्य का बहुत से काम हुआ है, राज्य बहुत बड़े पैमाने से विकसित हुआ है, इसलिए हम लोग आभार करते हैं ऐसा सरकार को कि फिर आने वाला डेट में इसी का सरकार बने और इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहे। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।